सो वेलकम गाइस टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं जूडी की वीडियो। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो फाइनली शायद आज ऑफिस की लास्ट पार्टी है। लास्ट है ना, 8-9 व्लॉग बन गए। कब से कह रहा हूँ ऑफिस की पार्टी लास्ट है। जो लास्ट ही नहीं होती क्योंकि नेक्स्ट वीक हम आएंगे नहीं। तो टोटल हमारा हैबिट मोड जो 10 दिन होता है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, आज हो जाएगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी लास्ट पार्टी है। देखते लास्ट होगी नहीं होगी। और भाई जब दिल्ली में ना हो चुके हैं ठंड स्टार्ट, शाम का टाइम ना भाई साहब ठंडे पानी से शावर में मतलब दांत ऐसे होने लगते हैं, मतलब ठंड लगनी स्टार्ट हो चुकी है अभी से। काफ़ी लोगों तो कोल्ड खांसी भी स्टार्ट हो चुका है। तो वेलकम टू विंटर्स। बाकी कैब आ चुकी है अपनी ऑलमोस्ट, ठीक है चलते हैं। बाकी रेड पहना मैंने आज, लग रहा हूँ मैं बिल्कुल सेक्सी मज़ेदार। और आज चेहरे पे धूप थोड़ी कम है इसलिए ग्लो। अरे वाह भाई वाह, धूप बोलते ही चेहरे पे ग्लो आ गया और धूप भी आ गई। वाह भाई वाह, तो सरस्वती बैठी आज तो मुंह पे। और हाँ, वीडियो के एंड में ना कुछ ज्ञान भरी बातें करूँगा तो सुन लेना, काम आएगी। जो भी बातें बोलूँगा सब दिल से बोलूँगा, जो हो चुका है मतलब रियलिटी पर बात करूँगा मैं। तो ब्लॉग के एंड में बीच में वो पार्ट आएगा, देखना वो शूट करूँगा मैं ऑफिस में। काफ़ी चीज़ें दिमाग में तो चल रही है, तो सारी बातें करेंगे। कैब आ चुकी है, चलते हैं। ओके हाँ। तो यार जब तक कैब नहीं आती ना तो मैं क्या यार एक दो शायरी कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ तो गौर फरमाइएगा। सारे किस्से ख़त्म हो जाने के बाद भी सारे किस्से ख़त्म हो जाने के बाद भी जहाँ बातें बाकी है समझ लो वही तुम्हारा जीवन साथी है। आए हाय हाय, अरे छील दिया भाई छील दिया, वाह भाई वाह। मज़ा आया, ऐसी शायरी करूँगा मैं, मतलब प्यार मोहब्बत रिलेशन के ऊपर है सारे की सारे तो जो भी है, ठीक है। आज का व्लॉग यही होने वाला है। और देखना वीडियो के एंड में और बीच में मैं बहुत ऐसी बातें बोलूँगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई फाइनली कैब में आ चुके हैं, भाई वॉशरूम करने के लिए निकले हैं। तो मैं क्या थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं, ठीक है। तो आज ही टोटल 5 बंदे हैं और बीच में ना 22 डाला हुआ है, जो भाई साहब आधा घंटा खा जाता आराम से। तो देखते हैं आज भी बच जाएगा टाइम, अंधेरा हो ही जाएगा, ठीक है। तो भाई चलते हैं ऑफिस और सीधा कंटिन्यू करता हूँ मैं अब कहाँ ऑफिस में। बाकी यार व्यू तो अच्छा रहा है यहाँ पे, है ना। वाह भाई वाह। और देखो जैन पैक्ट में ना ये फैन लगा रखे, देख रहे हो, मतलब इतना पैसा कंपनी के पास एसी नहीं दे सकते, फैन लगा रखा है। देखो शर्म नहीं आ रही इनको। और चलते भी नहीं है, लगा दिए दिखाने के लिए कि हाँ भाई फैन है। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस ऑफिस आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा काम निपटते हैं उसके बाद मिलता हूँ आपसे। आज यहाँ से देखो भी, ठीक है। तो भाई फाइनली आ चुके हैं दोबारा, कहाँ नवीन भाई, गजब का ढाबा। ये हमारी आखिरी पार्टी आज है। तो भाई एक सूचना है आपके लिए, मतलब है ना मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरा ऑफिस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जो मैं दूसरी जगह हमारी। पहले मुझे लगा था मैं और नवीन भाई आएंगे, मगर इन्होंने कुछ ना कुछ जादू टोना करके है ना मैडम को अपने वश में कर लिया। तो ये अभी तक है, 2-3 महीने और है। और जो मेरे दो सीनियर सर है वो भी नहीं आ रहे अभी, वो भी जनवरी में आएंगे, अकेला सिर्फ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो 1 नवंबर के बाद आपको नई लोकेशन मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, और ये गंदे गंदे लोग नहीं मिलेंगे। ये तो भाई आज आखिरी पार्टी, ठीक है, आखिरी पार्टी आज नवीन भाई, या नहीं और करनी है अभी। सला आखिरी पार्टी बोल बोल के इतनी पार्टी कर ली हमने यहाँ पे। चलो भाई बैठते हैं। अरे यूडी भाई परेशान लग रहे हो यार, क्या बात है भाई। आज ऑफिशियली आखिरी दिन है ऑफिस का। अच्छा, ये फेयरवेल पार्टी है। फेयरवेल लग ही नहीं रही यार। अच्छा, और कोई नहीं जा रहा क्या साथ में? नहीं भाई ये जा रहे थे, ये जा रहे थे मेरे साथ में। अच्छा। इन्होंने पता नहीं क्या काला जादू कर दिया, अब 1 जनवरी को जाएंगे। ओहो, अच्छा। तो भाई वो बड़ी याद आएगी तुम्हारी यार। हमें भी याद आएगी भाई, कोई नहीं भाई हम भी मिलेंगे। अगर तुम लोग साथ जाते तो ज्यादा खुशी होती। कोई नहीं भाई, जैन पैक ने सब कुछ दिया। बोल जैन पैक के बारे में कुछ बोलेगा भाई? जैन पैक के बारे में बोलेगा कुछ भाई? जैन पैक के बारे में क्या, कुछ अच्छी चीज है बुरी चीज है जो लगे? थोड़ी पास ला, हमारी आवाज बढ़िया। तो भाई जैन पैक की बढ़िया चीज़ यही है, कंफर्टेबल है। ये बकचोदी हो चुकी है हमारे, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। कंफर्ट है यहाँ पे, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, सब कुछ है, क्राउड अच्छा है, गजब का ढाबा है। ऐसे गंदे गंदे दोस्त मिलेंगे आपको, दो अच्छे ऐसे मिलेंगे पीछे वाले बैक कैमरे वाले। एक पीछे जो वीडियो बना रहा है ये कैमरा शायद थोड़ा। बस बाकी तो सब बढ़िया यहाँ पे, बस सैलरी नहीं है भाई।
सब कुछ बढ़िया है पर सैलरी नहीं है। अगर कोई फ्रेशर आना चाहता ना, या तो आ जाओ दो तीन साल करके फिर निकल जाओ यहाँ से, हमारी तरह ऐसे टिकने के लिए नहीं है। हाँ दो तीन साल मतलब स्विच करने बाद निकल जाओ। ग्रेजुएटी आने वाली है यार। क्या कह रहा? मैं कह रहा तेरी तो इस साल ग्रेजुएटी आने वाली है यार। तो यार हमने भी सोचा था निकलने के लिए बट निकल नहीं पाया। तो भाई बस यही था, अच्छा बुरा तो बस क्या ही बोलियो, अच्छी कंपनी है, अगर आपको आना तो आ जाना। बाकी अब नया मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, नई कंपनी होगी, नए लोग, मजा आएगा लोग बनाने में, नए सब्सक्राइबर आएंगे। ठीक है चलो भाई खाना वाना खाते हैं। फेयरवेल है मेरी, फेयरवेल है तो ये फेयरवेल मेरे दे रहे खाली प्लेट है। ठीक है भाई ठीक है, अब कौन भाई कौन अपना घुमा। ठंड स्टार्ट हो चुकी है भाई, मैं और भाई पी रहे थम्स अप और भाई पी रहे कॉफी चाय। अरे कॉफी बोल दें तो अच्छा लगेगा लोगों को। कॉफी घर में पी अब कभी, कॉफी चाय पियो आराम से। तो भाई आ चुकी अपनी कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, 10 रोटियां एज यूजुअल। चलो भाई खा लो, कितना कुछ करना पड़ता है वीडियो के लिए। चलो भाई खाना वाना खा के मिलते तसल्ली से। ठीक है क्या कह रहे हो? पेमेंट हम क्यों करेंगे, चलो कट देंगे नवीन भाई। 1,00,000 है तो सही है, 1,000 रुपये कट के तो क्या हो गया। क्या कहाँ ले गया मैं? प्लेटों पे तक लेके गया हूँ, पीली प्लेटों पे। नवीन सर क्लीन शेव करके आया, क्या बात है, आज तो लड़कियाँ फैन हो जाएगी आपकी। तो भाई खाना वाना हो चुका फिनिश। तो यार सच में यार बड़ा याद आ रहा है गजब का ढाबा, देख रहे हो ये सीटें, ये अपना ऑफिस देख रहे हो बिल्कुल सामने है। कोई नहीं ये दिन भी याद रखेंगे, इसलिए व्लॉग्स बनाता हूँ ताकि मेमोरीज क्रिएट होती रहे। तो भाई आखिरी पार्टी थी गजब का ढाबा पे। ठीक है भाई आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, ये भाई मिलेंगे आपको, अब हम कहीं और जा रहे हैं। ठीक है गजब का ढाबा ना, अगर जन पे जॉब करो तो अगले हफ्ते आएगा। ठीक है भाई ये रहा गजब का ढाबा। भाई देखो चीज़ अच्छी हो ना तो प्रमोशन करनी चाहिए, क्यों गलत कह रहा हूँ? खाना हाँ लेकिन आप अगले हफ्ते भी आओगे। अच्छा चलो भाई देखता हूँ, एक हफ्ता और है, एक आखिरी पार्टी हो रहा है आखिरी, तो गाइस अभी एक पार्टी और बाकी है। ठीक है फिर आएंगे यहाँ पे, चलो अब चलते हैं यहाँ पे। तो भाई रात के बज चुके हैं 2, अब जा रहे हैं चाय पीने, चाय पे चर्चा। ठीक है क्या हुआ अंदर ही है, सही है। तो भाई आज क्या चर्चा होगी बोलियो, आज चाय पे क्या किस बात पे चर्चा होगी? तो भाई आज चाय पे क्या चर्चा होने वाली है? चाय पे चर्चा तो भाई अभी ना बैठे बैठे ना इक्वालिटी की बात कर रहे थे लड़का और लड़के की। तो अभी जैसे हम ऑफिस में, अब पता नहीं आप रिलेट करोगे नहीं करोगे मेरी बातों से, पता नहीं आप भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पता मेरे भाई भी एग्री करे मेरी बातों से। तो जैसे लड़का है जैसे हम है, हम पैसा कमाते हैं ठीक है, हम सोचते हैं यार बीवी को देंगे मम्मी को देंगे पैसे वैसे, मतलब हम सबका सोचते हैं, मगर जब लड़की पैसा कमाती है वो सिर्फ अपना सोचती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है तो ये है, गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं सही बात है भाई, उसका पैसा उसका पैसा, हमारा पैसा सबका पैसा है, ये नहीं है गलत कह रहा हूँ धीर भाई? ऐसा होता है मैक्सिमम किसी में ऐसा होता है, 99.9% होता है, जैसे लाइफ बॉय में कीटाणु मर जाता ना 0.1 बच जाता, ये वो लोग होता, कहीं होता होगा भाई, हमने तो नहीं देखा अपनी आंखों से। ठीक है और एक इक्वालिटी की बात और करना चाहूँगा मैं, क्योंकि यार छोड़ो यार बता दूँ क्या बता दे भाई, अब तू ये बोल के भाई जैसे अब तू ये तुम्हें शादी.com जीवन साथी पे क्या सीन रहा फिर है, ये बोल अभी फिर भाई वो शादी वादी का फिर क्या रहा तेरा, यूँ बोल। तो भाई फिर तेरा शादी वादी का क्या सीन है फिर? शादी का देख भाई शादी का मैं तुझे ना टू बी ऑनेस्ट मैं तुझे सब सच बताऊंगा। अच्छा। एकदम रो। अच्छा। जो मैंने फेस की चीजें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। तो भाई अभी ना ऐसे शादी वादी के लिए घर में बात चल रही थी, तो यार मैंने ना शादी.com डाल लिया, जीवन साथी इंस्टॉल कर लिया फोन में। अच्छा। तो मैंने प्रोफाइल बनाते हैं देखते भाई क्या मैच होता क्या नहीं होता, तो भाई वहाँ पे एक अलग ही सीन चला हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी सैलरी जो भी है ठीक है, कैसे समझाऊँ मैं, हाँ मतलब मोटा मोटी ये है, लड़की की सैलरी है साल की 2,00,000, मतलब वो महीने के 11-12,000 रुपये कमा रही है, 12-15 कट पीट के जो भी आ रहे हैं उससे 12-15 रुपये कमा रही है वो। उसकी डिमांड है कि 10 LPA 15 LPA एंड अबो, मतलब जो हम 4-7 लाख वाले बंदे हैं वो तो लाइन में नहीं है भाई,
और जो बंदी आती है ना उसपे बस क्या ही बताऊं भाई मैं। अच्छा मतलब जिस बंदी का 2 लाख का पैकेज वो एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरा हस्बैंड उससे ऊपर ही हो, देख रहा कितना फर्क आ गया, कितने परसेंट का आ गया। तो भाई मैंने तो कर दिया अनइंस्टॉल। तो भाई मोटा मोटी मैं आपको इन शॉर्ट ही बताना चाहता हूँ कि अगर लड़के की सैलरी 60,000 रुपये है और लड़के की 30,000 रुपये है तो लड़की शादी नहीं करेगी। गलत कह रहा हूँ मैं भाई? लड़की की 60,000 रुपये है और लड़के की 30,000 रुपये, लड़की शादी करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखा तो भाई ये है फैक्ट है, बातें चुभेंगी कड़ी हुई है, मानिए तो मान लो वरना। और क्या बताऊँ मैं, और कुछ बताओगे आप ऐड ऑन करोगे इसमें कुछ इक्वालिटी के ऊपर? ये जो फेमिनिज्म की चोदी है बहुत सारी बातें हैं भाई। अच्छा लेकिन सारी बातें ना सबको पता है तो रिवील करने की जरूरत नहीं होती भाई। तो आप सब लोग समझदार हो तो आप लोग अपना जब भी शादी का डिसीजन लो बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है भाई। सबसे बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। बिल्कुल तो ये सब कुछ देखना पड़ता है और देखना चाहिए। तो जो मेरे व्यूअर है ना shaadi.com पे है ना जीवन साथी पे, भाई अनइंस्टॉल मार दो, साला फ्रॉड चला हुआ है आपसे वो पेमेंट भी। भाई मैंने सब्सक्रिप्शन में लिया था अब तो 5,000 रुपये का हो गया, उस टाइम पे डिस्काउंट तो कुछ 80% कुछ का, तो मुझे 800-900 रुपये का पड़ गया था। तो उस टाइम पे ले लिया था मैंने, 6 महीने के लिए था। इन्विटेशन भी आए वहाँ पे, क्या है जो लड़की हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए है, और जिस लड़की को हम चाहिए वो हमें नहीं चाहिए, मतलब कुछ था ऐसा ही। ये तो अक्षय वाली लाइनें हो गई हैं भाई 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 भाई। तो ये सीन था वहाँ पे, ठीक है। तो लड़की ना आपको आपको फैला रहा ऐसे हो गया, फिर वो ऐसे करेगी ऐसे करके क्यों फेंक देगी। तो बस यही है। तो भाई शादी है, डिसीजन तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मेरी होने वाली बीवी देख रही है, मुझे अपनी पता आपने मेरा सीवी देखा नहीं देखा, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भाई अगर आप भी इसी कैटेगरी में होना तो सॉरी आपका मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा हनी। अच्छा तो यार कोई वाइफ मटेरियल हो यार तो बिल्कुल आई एम एग्री, ठीक है। बस और क्या बोलूं हैं, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? बिल्कुल ठीक बोला भाई है? और भाई जो मैंने बोला सही बोला है, तुम्हें ठीक लगा तो ठीक है ना, तुम्हारी माँ का तुम्हारी माँ की ओके भाई। तो भाई जाते जाते हैं ना अपने ऑफिस की सबसे बेस्ट अपने ऑफिस का सबसे बेस्ट फ्लोर दिखाता हूँ आपको, देख रहा मेरे पीछे। वाह भाई वाह, कर फोन कर। तो भाई ये देखो, ये अपनी चंपा गली जैन पैक्ट की, नहीं क्या फ्लोर है यार ये वाला? नहीं भाई साहब, डेट वेट पाना हो ना आपको तो यहाँ पे आ सकते हो। मैं क्यों बोलता हूँ ये, हम तो आते नहीं किसी के साथ, पर कोई बैठा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो भाई वाह भाई वाह, भाई साहब जैन पैक्ट है ना, इंटीरियर के मामले बढ़िया है, जॉब स्टेबिलिटी के बारे में सब, बस सैलरी नहीं है यहाँ पे, बाकी सब बढ़िया है। चलो भाई चाय वाय पी ली, ठीक है अब चलते हैं नीचे, ब्लॉग एंड करूँगा मैं, कहाँ 3 बजे अकेले मिलना है वहीं, ठीक है चलो। तो भाई अभी बजे हुए रात के 3 और मैं खा रहा हूँ नमकीन, बोला था ना मैंने अकेले बैठना ज़रूरी है। तो भाई आज का बोलोगा ना मोटा मोटा यही था, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, लड़का लड़की जब पैसा कमाते तो क्या बेनिफिट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का कुछ और हो सकता है, बट भाई मैं ऑनेस्ट रहता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, जो मुझे फील होता है जो मुझे लगता है मैं अपना जजमेंट देता हूँ। अभी ना एक व्लॉग और बाकी है, वो आएगा नेक्स्ट वीक, वो कौन सा दिन होगा मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो एक आखिरी व्लॉग आएगा इस ऑफिस का, उस दिन पार्टी करेंगे हम, कहाँ गजब कड़ावा, या कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। मतलब यार मोटा मोटी है ना, मतलब काफ़ी यादें यहाँ पे, मैं ना सबको याद करके लेके जाना चाहता हूँ, समझ रहे हो आप। मैं जिसने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, आई डी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ओके बाय 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 बाय। बड़ा सॉरी यार मैंने ना बियर्ड नहीं कटवाई, नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में कटवाते नहीं है ना, तो यार देसी बंदे हैं तो नहीं करना चाहिए ना, ओके बाय।